नमस्कार, ग्राम पंचायत चुनाव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में कितना खर्च इस बार तय किया गया है। अगर आप पंचायत चुनाव में कोई भी पद पर चुनाव लड़ते हैं तो आपको अधिकतम कितना खर्च करने की सीमा तय की गई है, और बैलेट पेपर किस रंग का रहेगा इस बार, नामांकन फार्म आपको कितने रुपए में मिलेगा, और आपको कितने रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने जा रही है। एक एक पद के लिए पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि इस बार का पंचायत चुनाव लड़ने में आपको कम से कम कितना बजट लेकर के चलना चाहिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन इसके पहले मैं उन नए दर्शकों से कहना चाहूँगा जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी की बटन दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन उनको लगातार मिलता रहे। इस वीडियो के अंदर हम ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, BDC, जिला पंचायत अध्यक्ष और ग्राम पंचायत सदस्य, इन सारे पदों के बारे में बात करेंगे। सारे पदों के लिए खर्च सीमा क्या निर्धारित की गई है, सारे पदों के लिए अलग अलग किस किस रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना है, कितने कितने रुपए में नामांकन फार्म मिलेंगे अलग अलग पदों के लिए, और अलग अलग पदों के लिए सिक्योरिटी मनी कितनी जमा करनी होगी। तो ये सारी बातें एक एक करके मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान की, यानी यूपी में कुल ग्राम प्रधानों की संख्या लगभग 59,076 है। 59,076 ग्राम प्रधान है, और चयन का तरीका सीधे जनता द्वारा। यूपी में ग्राम प्रधानों की कुल संख्या 59,076 हो चुकी है, और इनका चयन सीधे जनता द्वारा होता है, यानी इनको सीधे जनता चुनती है। ग्राम प्रधान चुनाव के लिए खर्च करने की जो सीमा है वह 75,000 रुपये तय की गई है, और इनके चुनाव के लिए बैलेट पेपर हरे रंग का इस्तेमाल किया जाएगा, और नामांकन फार्म इन्हें 300 रुपये में ख़रीदना होगा, और सिक्योरिटी मनी के रूप में इन्हें 2,000 रुपये जमा करना होगा। ये रहा ग्राम प्रधान से संबंधित जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत सदस्य, यानी ग्राम पंचायत सदस्य। उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 7,44,374 है। इनका चुनाव सीधे जनता करती है, यानी सीधे जनता इन्हें वोट देकर के चुनती है, और एक ग्राम पंचायत सदस्य को खर्च करने के लिए अधिकतम सीमा 10,000 रुपये निर्धारित की गई है, और इन्हें बैलेट पेपर सफ़ेद रंग का दिया जाता है, यानी सफ़ेद रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल करके इनका चुनाव होता है, और ग्राम पंचायत सदस्यों को 150 रुपये का नामांकन पत्र खरीदना होता है, और सिक्योरिटी मनी के रूप में इन्हें 500 रुपये जमा करना होता है। अब हम बात करेंगे ब्लॉक प्रमुख की। उत्तर प्रदेश में कुल ब्लॉक प्रमुखों की संख्या 821 है, और इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा न होकर के PDC के द्वारा होता है, और इन्हें अपने चुनाव में खर्च करने के लिए 2,00,000 रुपए की अधिकतम सीमा तय की गई है, और बैलेट पेपर इनका सफ़ेद रंग का होता है, और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन पत्र 800 रुपये का ख़रीदना होता है, और सिक्योरिटी मनी के रूप में इन्हें 5,000 रुपये जमा करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं BDC की, यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य की। तो क्षेत्र पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 77,805 है, और इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। खर्च करने के लिए अधिकतम सीमा 75,000 रुपये तय की गई है, और इन्हें इनके चुनाव में नीले रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने के लिए अलाउ किया जाता है, और इन लोगों को, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को 300 रुपये का नामांकन पत्र खरीदना होता है, और 2,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करना होता है। अब हम बात करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष की। तो उत्तर प्रदेश में कुल जिला पंचायत अध्यक्षों की संख्या 75 है। इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा न होकर के जिला पंचायत सदस्यों द्वारा होता है, और चुनाव में खर्च करने के लिए लगभग 4,00,000 रुपए अधिकतम सीमा तय की गई है, और इनका चुनाव सफ़ेद रंग के बैलेट पेपर होता है, और इन्हें 1,500 रुपए का नामांकन पत्र खरीदना होता है।
10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करना होता है। अब हम बात करेंगे जिला पंचायत सदस्य की, तो उत्तर प्रदेश में कुल जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 3,121 है। इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। चुनाव में खर्च करने के लिए अधिकतम सीमा 1,50,000 रुपये तय की गई है और इन्हें गुलाबी रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना होता है और नामांकन फार्म इन्हें 500 रुपये में ख़रीदना होता है और सिक्योरिटी मनी के रूप में इन्हें 4,000 रुपये जमा करना होता है। तो ये रहा अब तक का अपडेट कि 2021 में जो पंचायती चुनाव होंगे इन सभी पदों पर ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष, BDC, इन सभी पदों पर जो चुनाव होने हैं इनसे रिलेटेड खर्च सीमा, नामांकन पत्र की कीमत, सिक्योरिटी मनी के रूप में कितना जमा करना है, बैलेट पेपर किस किस रंग का इस्तेमाल करना है, ये सारी जानकारी अब तक के अनुसार हमने आपको दिया। आगे भविष्य में यदि किसी प्रकार का संशोधन होता है, किसी प्रकार का पदों की संख्या में बदलाव होता है या खर्च सीमा में कोई बदलाव होता है या नामांकन पत्र या सिक्योरिटी मनी की अमाउंट में अगर कोई बदलाव होता है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि चुनाव में आप अच्छी तरीके से पकड़ बनाएं और अच्छे तरीके से आप अपना चुनाव जीतें तो आप अपने ग्राम पंचायत में, आप अपने ग्राम सभा में वर्तमान प्रधान द्वारा किए गए समस्त कार्यों का सारा डाटा निकलवाइए। सारा डाटा निकलवाने में आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर खड़ंजा बना, कहाँ कहाँ पर नाली बनी, कहाँ कहाँ पर रिबोर हुआ है, इंटरलॉकिंग CC रोड, नरेगा में कितने मजदूर काम करते हैं, नरेगा के तहत कितने कार्य करवाए गए हैं गांव में, कितने पैसे सरकार से लिए गए, कहां खर्च किए गए, किसके अकाउंट में भेजा गया, ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है। ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए PDF फाइल के रूप में आप हमें WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच किसी समय आप WhatsApp के जरिए या फ़ोन कॉल करके जरिए संपर्क कीजिए और अपने ग्राम प्रधान द्वारा किए गए समस्त कार्यों का सारा लेखा जोखा और ब्यौरा प्राप्त कर लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि गांव में असल में हुआ क्या है और गांव में असल में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये सारी जानकारी आपके पास रहेगी तभी आप किसी भी मतदाता के सामने अपनी बात को दावे के साथ और प्रूफ के साथ रख पाएंगे और उसके जरिए आप अपनी राजनीति में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए ग्राम पंचायत चुनाव। धन्यवाद।